हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करूंगा अक्षांश के बारे में, लैटिट्यूड। उससे पहले हम लोग ये जानते हैं जो हमारी पृथ्वी है जिस पे हम लोग रहते हैं उसका आकार कैसा है। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। हमारी पृथ्वी का आकार जियोइड है, पृथ्व्याकार। ना तो ये स्फीयर है ना तो ये सर्किल है, इसका आकार जियोइड है। अब हम लोग जानेंगे जियोइड होता क्या है। जियोइड एक काल्पनिक शेप है जो पृथ्वी की औसत ऊंचाई और औसत गहराई से होकर जाता है। ये हमारी पृथ्वी कहीं पे बहुत ऊंची है, जैसे ये देख रहे हैं पहाड़ हैं, पर्वत हैं, कहीं पे बहुत गहरी है समुद्र। तो ये औसत ऊंचाई और औसत गहराई से जाने वाला एक शेप है, सर्किल है, जो जियोइड शेप कहलाता है। अब हम लोग ये जानेंगे ग्लोब। हम लोगों ने पृथ्वी को तो देखा नहीं है। पृथ्वी को देखने के लिए कोई प्लेन लेना पड़ेगा, प्लेन लेकर उड़ो आसमान में जाओ, उसके बाद पृथ्वी को देखेंगे। अब ऐसा तो हो सकता नहीं, इतना आसान तो है नहीं कि सब लोग पहुंच जाएंगे। तो पृथ्वी को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने एक ग्लोब बनाया। ग्लोब जो है वो पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। अब ये जो देख रहे हैं आप ग्लोब, ये होता है एक्सिस। एक्सिस जो होता है वो पृथ्वी का ये एक्सिस है, ये काल्पनिक लाइन होती है जिसपे पृथ्वी अपने अक्ष के थ्रू चारों तरफ अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है। जैसे जैसे लट्टू होता है, लट्टू में क्या होता है, लट्टू हम लोग नचाते हैं तो वो अपने अक्ष के चारों तरफ ऐसे यूं यूं ऐसे ऐसे घूमता रहता है। उसी प्रकार पृथ्वी भी अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है। यह पृथ्वी का अक्ष है जो एक काल्पनिक रेखा होती है, कोई अक्ष होता नहीं है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं पोल की। कोई भी वस्तु हो, चाहे वो फिजिकल हो, ज्योग्राफिकल हो, नेचुरल लोग, हर वस्तु में दो पोल होते हैं। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन का सर है हेड, यहाँ से सब कुछ यहीं से नियंत्रित होता है। उसका हेड जो है वो नॉर्थ पोल है, उसका पैर जो है साउथ पोल है। उसी प्रकार जैसे फल होते हैं, फ्रूट्स में क्या होता है, जो वो जैसे पेड़ से लगा होता है, वो जहाँ से उसे एनर्जी मिलती है वो उसका नॉर्थ पोल होता है और उसका निचला हिस्सा साउथ पोल होता है। उसी प्रकार हमारी पृथ्वी में भी दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और पृथ्वी के बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा गुजरती है जिसे विषुवत वृत्त कहते हैं, उसे इक्वेटर भी कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। यह पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब हम लोग बात करेंगे लैटिट्यूड अक्षांश की। लैटिट्यूड आर द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द अर्थ सरफेस विथ रेफरेंस टू इक्वेटर। लैटिट्यूड जो होते हैं वो पृथ्वी के सरफेस पे कोणीय दूरी होते हैं जो इक्वेटर के रेफरेंस में मापे जाते हैं। जो एंगल बनता है वो सेंटर और इक्वेटर के बीच में बनता है और जो कोणीय दूरी होती है वो सरफेस पे होती है। जैसे और लैटिट्यूड अक्षांश जो होते हैं वो सरफेस पे पॉइंट होते हैं, जैसे 10 डिग्री, 20, 45, 90, ये पॉइंट होते हैं। और एंगल जो बनता है, जैसे 20 से इसको काटें, ये हमारा इक्वेटर है, ऐसे कोई रखें, ये एंगल, ये जो दूरी है, ये कोणीय दूरी होती है, जो एंगल बनता है वो सेंटर पे बनता है। ये हमारा हो गया लैटिट्यूड। अब हम लोग जानेंगे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड आर इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द ग्लोब आर मैप फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड होती हैं ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो ग्लोब पर या मैप पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती हैं, वेस्ट टू ईस्ट। ये आप देख रहे हैं, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। अब लैटिट्यूड एंड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड में डिफरेंस है, इसको समझने की जरूरत है, ये बहुत माइनोर डिफरेंस है। इसको हम लोग ऐसे समझेंगे, जो जैसे कोई एंगल, जैसे मान लीजिए 10 डिग्री है, हम यहाँ 10 डिग्री देख रहे हैं, 10 डिग्री ये एक जगह पे तो है नहीं, ये 3D, हमारी पृथ्वी 3D है, उस पर कई जगहों पे 10 10 ऐसे ऐसे कई हर एंगल्स लेंगे तो 10 डिग्री कई बनेंगे। जैसे यहाँ पे 1 डिग्री देख रहे हैं, तो 1 डिग्री 1 से 1 या कई पॉइंट होंगे, कई अक्षांश होंगे, अदर अलग अलग दिशाओं में देखेंगे तो कई जगहों पे, तो इसको ये लैटिट्यूड सबको मिलाएंगे तो एक रेखा बनेगी, काल्पनिक रेखा, जिसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं, जो वेस्ट टू ईस्ट होती है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा होती है, अक्षांश रेखाओं की संख्या। ये अक्सर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है अक्षांश। अब ग्लोब पे अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती है। ये कैसे होती है, आइए हम लोग बात करते हैं। ये हमारा पृथ्वी है, ये इक्वेटर है,
इक्वेटर के ऊपर ये 1 डिग्री अक्षांश, 2, 3 ऐसे ऐसे बहुत से अक्षांश होते हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं। ये जो 90 डिग्री होती है ये एक पॉइंट है, डायमेंशन लेस है ये, 90 डिग्री डायमेंशन लेस है, क्योंकि ये इस पर कोई अक्षांश, ये एक पॉइंट है, इस पर कोई रेखा नहीं खींची जा सकती है, इसलिए ये एक पॉइंट है। तो अब हम अक्षांश रेखाओं की संख्या बात करते हैं 3D ग्लोब पे। ग्लोब 3D होता है, 0 डिग्री ये भी अक्षांश रेखा में गिनी जाती है, 1 हो गया, 90 प्लस 90 प्लस 1 181 होता है, 181। लेकिन ये दो रेखाएं अक्षांश रेखाओं में नहीं, इसलिए हम -2 करेंगे, 179। अब मैप की बात करते हैं, मैप क्या होता है, मैप 2D होता है, और मैप ऐसे अगर इसको ग्लोब के ऐसे फाड़ के ऐसे कुछ करें तो 0 यहाँ पे होगा, 90 यहाँ पे, 90 भी एक रेखा बनेगी, यहाँ पे 90 90, 180 हो गया, 181 181 ऑन मैप पे। ये अक्षांश रेखाओं की संख्या है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसको क्लियर करने की जरूरत है। और फिर लैटिट्यूड को समझने के लिए ग्लोब पे, लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई रेखाएं, लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई अक्षांश रेखाएं होती है पश्चिम से पूर्व, इनको आप पड़ी हुई रेखाएं भी कहते हैं, लेटी हुई रेखा भी कह सकते हैं आप, याद करने के लिए। थैंक यू सो मच, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखाओं पर चर्चा करेंगे।